उनके पीछे है गंगा जी। ये तो जब चलती है, जब यहाँ बरसात रहती है, बरसात आती है ना जब, और वो देखो आपको बर्फ भी दिख रही होगी, वाइट वाइट जो पहाड़ दिख रहे हैं ना भाई, वो बर्फ ही है। वो देखो वो बर्फ है, सब चीज बर्फ गिरी हुई है वो। और देखो तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई अभी दिन का समय हो रखा है, सुबह से आज समय नहीं लगा, पूरे दिन भर सुबह से काम ही काम में लग रखे थे, क्योंकि आज एक जगह जाना था और अभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो सौरभ भाई मेरे साथ जाएगा, तो भाई सौरभ भाई भी अपना अश्वगंधा लेता रहता है, आपने देखी होगी स्टोरी आदि। तो भाई अभी चल रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। और भाई चाबी कहाँ है? मेरे पास है। तो अभी चलते हैं, और हरिद्वार अपने यहाँ से 30-40 किलोमीटर पड़ता है, तो वहीं तक जाएंगे, थोड़ा काम भी है। और काम करने के बाद वहाँ अगर थोड़ा समय मिला ना, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत या नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक दृश्य काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी बस चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर अब नहीं निकले तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, दिन का समय हो रखा है। तो भाई फटाफट चलते हैं, तो अपनी मोटरसाइकिल है, इस पर हम चलेंगे। अभी देखो 1103 है, वहाँ जाकर देखते हैं कितनी पहुँचती है। ठीक, तो ये देखिए भाई, हम रास्ते में जा रहे थे और हमें रास्ते में झोपड़ पट्टी दिखी। ये देखो, आज भी लोग भारतीय संस्कृति को बचाए हुए हैं प्राचीनता की ओर, अभी भी इन्हीं पुरानी झोपड़ पट्टी में रहना पसंद करते हैं। और अगर इनके अंदर जाकर देखा जाए ना, कभी फिर आएंगे तो इनके अंदर भी जाएंगे, अभी लेट हो रहे हैं ना, जहाँ जाना है तो कभी फिर आएंगे तो इनके अंदर से भी अच्छे से दिखाएंगे भाई किस प्रकार वहाँ उनकी वो भैंस बंधी हुई है। क्या बात है, क्या बात। तो भाइयों अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, 1153 है और 1104 पर चले थे, 50 किलोमीटर के आसपास पड़ा हमें। जहाँ हरिद्वार में तो हम आ गए थे, ये मान लो हरिद्वार में तो हम कितने में 40 किलोमीटर पर आ गए थे पूरे। और जिस जगह हमें आना था ना, वो थोड़ी आगे पड़ती थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, 40 किलोमीटर पर आ गए थे, 50 किलोमीटर तो जहाँ हमें आना था वहाँ पहुँचे। अभी जिस जगह हम पहुँचेंगे ना, वहाँ पर हम गायें देखने के लिए आए हुए हैं, और हंडा डेयरी फार्म से हिसार से वहाँ पर गायें आई हुई है, तो उसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो अभी सोचा कि यहाँ भी आश्रम पे थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो महाराज मिले नहीं अभी आश्रम पे, जो पंडित जी थे वो मिले नहीं, तो सोचा ही पास में गंगा जी है, गंगा जी को देखने चलते हैं। और मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो क्या ही जबरदस्त नज़ारा है, देखिए लग रहा भाई यहाँ से 10-15 फीट होगा, यहाँ कूद देगा ना गुड्डे टूट जाएंगे भाई। देखो ये लग रहा है कि हल्की सी गहराई होगी, लेकिन बहुत खूब सारी गहराई है भाई। ये गंगा जी यहीं चलती है, इधर वाली साइड सूखी रहती है, जो आपको देखो पेड़ दिख रहे ना, वो पेड़, ओहो ब्लर लग गया, वो पेड़ दिख रहे ना पेड़ वहाँ पर, वो देखो वो पेड़, उनके पीछे है गंगा जी। ये तो जब चलती है, जब यहाँ बरसात रहती है, बरसात आती है ना जब, और वो देखो आपको बर्फ़ भी दिख रही होगी, वाइट वाइट जो पहाड़ दिख रहे ना भाई, वो बर्फ़ ही है। वो देखो वो बर्फ़ है, सब चीज़ बर्फ़ गिरी हुई है वो। और देखो वो, देखो मंदिर है वो ऊपर, वो मनसा देवी मंदिर है। और आपको इधर ऊपर दिखाता हूँ, वो देखो वो चंडी देवी मंदिर है, पहाड़ों में है वो। देखो भाई कितने दूर घूम रहे हैं, बहुत दूर है वो हमसे भी, वो देखो कितनी दूर खड़े हैं हमसे। तो भाई जितनी दूर तक देखो गंगा जी का क्षेत्र है, गंगा मैया बहुत दूर तक फैली हुई है भाई। और यहाँ घूमने फिरने में खूब ही आनंद आता है, प्राकृतिक दृश्य खूब अच्छे अच्छे हैं। देखो हमें अभी ज़्यादा देर का समय नहीं था, थोड़ा ही समय था, इसलिए हम थोड़ी देर ही घूम पाए, लेकिन जब अगली बार कभी आएंगे ना, पूरा हरिद्वार का प्रोग्राम बना के आएंगे, तो भाई लंबा काफ़ी दूर तक घूम के आएंगे, आगे भी पहाड़ों पर चलेंगे। अगली बार कोशिश करेंगे केदारनाथ यात्रा की, अमरनाथ यात्रा की, ऊपर पहाड़ों में जाने की। तो भाई अभी तो यहाँ से अभी हमारे पास आधे घंटे का ही समय है, तो आधे घंटे में हम यहाँ पर आए थे, गंगा जी पास ही में थी, लेकिन अगर अभी हमें पूरी गंगा जी देखने जाना पड़ेगा ना, तो कम से कम 2 किलोमीटर पीरियड है वो, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर जाने में हमें ऊंचा नीचा रास्ता है, सीधा रास्ता नहीं, रेते का रास्ता है, रेतीला रास्ता है, 20 से 25 मिनट लग जाएगी जाने में, मोटरसाइकिल जाएगी नहीं, पैदल जाना पड़ेगा, और फिर इतना हम लेट हो जाएंगे, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम वापस चलते हैं, फिर कभी जब आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए,
तो फिर यहाँ पर देखेंगे। तो भाई ये है भारतीय नस्ल की राठी नस्ल और ये इसकी बछिया है। क्या बात है, क्या बात है, रुद्र महाराज जैसी है। बस रंग का अंतर है। और ये इसकी माता है, कितना ही सुंदर गोवंश है। वाह भाई वाह, क्या बात। तो भाई अभी यहाँ से चल दिए हैं और लेट काफ़ी हो गए, 5:30-6 बज गए। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, और हेलमेट लगा रखा है, हेलमेट उतारने का समय को नहीं भाई, लेट हो जाएंगे क्योंकि अपनी गौशाला पहुँचना है जल्दी से जल्दी भाई। तो अभी फटाफट चलते हैं, अंधेरा होने से पहले पहुँचना पड़ेगा। हम ग्लव्स भी साथ में लेके आए थे, हमें पता था भाई रात को ठंड हो जाएगी, उधर से आते हुए लेट हो जाएंगे, तो रात को ठंड होती है इसलिए ग्लव्स लेके आए थे भाई पहले ही। तो भाइयों बिल्कुल अभी अभी अपनी गौशाला पर पहुँचे हैं, 7:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए। बस अब भोजन करेंगे और गाय लेके वो भाई जी भी थोड़ी बहुत ही देर में आने वाले होंगे, लगभग आधा पौन घंटा और ले जाएंगे, 8:30 तक, 1 घंटे भी ले जाएंगे, 8 बजे बज जाएंगे भाई। गाय भारत की शान, देसी नस्लों में कही जाने वाली राठी नस्ल, काफ़ी अच्छी गोधन है, तो अभी आ जाएगी प्रॉपर वीडियो उसकी, कल को अच्छे से बनाकर दिखाएंगे, अगला जो व्लॉग आएगा ना उसमें अच्छे से बनाकर दिखाएंगे। आज तो बस हमने गए और थोड़ी नॉर्मली देखी, और कभी फिर कभी हरिद्वार जाएंगे, आपको हरिद्वार भी दिखाएंगे। तो भाई अभी थोड़ी देर में गाय आने वाली होगी, थोड़ी देर वेट करते हैं अभी। तो अभी भोजन कर लेते हैं, और जो भाई जी वहाँ से आएंगे उनके लिए भी भोजन रेडी है, शायद 1 घंटे में आने ही वाले होंगे। तो भाई रात के बजे हैं 9, और अब जाकर गाय पहुँचिए, फेंकनी नहीं, खिलानी है, और हल्दी का टिक्का लगा देना। बस मैं दिखा दो। तो भाई गाय पहुंच गई है, गाय आ गई भाई, ये देखिए। तो अब लेकर चलते हैं अंदर, चलो चलो सौरभ ले, चलो बछिया आगे, चलो गुद उठा ले मेरे भाई, या तूने गाय पकड़ ले, उठा गुद दी भाई, कुछ ना कहे, ले पकड़ ले बस, आ जा बस 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 बस, गाय कुछ नहीं खाने, कुछ नहीं खाने भाई, इधर दिखा ना, इधर इधर इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर ले, अंदर, हाँ कुछ नहीं आने भाई, बस 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 इसे फुटे बंद तो ये अपना गोधन आराम से यहाँ पर बांध दिया है, और इसके यहीं पर आराम से पुराली डाल देंगे, पत्ती डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छी प्रकार, गाय भंड भी रखी है कोई दिक्कत नहीं, सुबह को आराम से साफ कर देंगे। ये देखो नन्ही बछिया, वाह वाह वाह, ये रही नन्ही बछिया, क्या बात है, क्या बात है, नन्ही बछिया, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, यहाँ बेफिक्र रहो, यहाँ वहाँ वाला माहौल को नहीं, जो वहाँ माहौल था, यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। ठीक है माई, ए माई, यहाँ वो वाला माहौल को नहीं, यहाँ तो दूसरा माहौल है, बेफिक्र रहो यहाँ, हाँ बेफिक्र रहना यहाँ, यहाँ डरने डरने वाली कोई बात को नहीं, बस 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 बस, थोड़ा भाई जैसे नए नए आते हैं गोधन तो थोड़ा ओपराधी मानते हैं, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर इनकी अच्छे से, इसके ऊपर तो बच्चे के ऊपर बोरी भी रख दी है अच्छे से, अब इसको नीचे देखो ये पुराली पड़ी है ना, अच्छे से पत्ती डाल देंगे जिससे रात को किसी प्रकार की ठंड ना लगे। वैसे ये अंदर है कमरा, इसमें ठंड बहुत कम लगती है, और बच्चे भी अंदर ही बनते हैं। ये देखो यार रुद्र, रुद्र अपना यहीं पर है, और ये भोली यहीं पर अंदर ही रहते हैं, ये यहाँ पर ठंड नहीं लगती अंदर, तो इसलिए अंदर ही रखते हैं इनको, बाकी गाय आदि तो बाहर ही रहती है। तो भाई अब समय हो चुका है 10:30, और जो भैया गाय लेकर आए थे वो तो चले गए, रात रुके नहीं, कि न कह रहे थे कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, टोल प्लाजा दो बार लगेगा, वो दूर से आते हिसार से हरियाणा से, तो भाई उनकी बात भी सही थी, यहाँ दो बार, हम तो यही कह रहे थे भाई सुबह निकल जाना आराम से, पर वो रुके नहीं, भोजन करने के बाद तुरंत चल दिए। बिस्तर बीत चुका है अपना अंदर, और अब लेटते हैं भाई, 10:30 बज गए, दिन भर खूब इधर उधर घूमे, थकान काफ़ी हो रही है, और एम्बो चल अंदर अपनी जगह पर जाकर लेट के, यहाँ बाहर ठिठर रहा, चल
तो अभी जाकर लेट जाएगा। अभी देखने आया था कि भाई हम लेट के नहीं लेट के। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते जल्दी नए व्लॉग में।